खबर इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिंगरौली जिले में इंसानियत को बेहद शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद नवानगर पुलिस ने तत्परता बरतते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात जिले के नवानगर थाना इलाके में हुई। नवानगर थाना अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जब खेत में काम कर रही थी, तभी शराब के नशे में धुत आरोपी राजेश ने पीछे से बुजुर्ग महिला को दबोच लिया, जिसके बाद आरोपी राजेश साकेत ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया और बाद में फरार हो गया। नवानगर पुलिस ने आरोपी युवक को दबोच लिया है। वारदात के बाद घर पर लौटने पर बुजुर्ग महिला ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में परिजन पीड़िता को लेकर नवानगर थाने पहुंचे और युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो गेहूँ के खेत में काम कर रही थी, पड़ोस के गांव का राजेश साकेत, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके द्वारा खेत में अकेला पाकर महिला के साथ दुष्कृत किया गया था, जिसकी रिपोर्ट महिला द्वारा थाने में की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ से उसे न्यायिक कक्षा में भेज दिया गया। आरोपी की मानसिक स्थिति अच्छी है, ऐसा ज्ञात हुआ। आरोपी से पूछताछ किया था तो बता रहा था वो शराब के नशे में था, जिस कारण ये घटना हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।